अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि एंसिस्ट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस सुगेस्टेड दैट मैटर इज कंपोज ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कह रहे हैं एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम डेमोक्रेटस था, उसने सुगेस्ट किया था कि मैटर किससे कंपोज हुआ है, मैटर कैसे बना है, छोटे छोटे टीनी कहते हैं, छोटे छोटे इंडिविजिबल कहते हैं ना काबिले तकसीम पार्टिकल्स, ठीक है, ना काबिले तकसीम पार्टिकल्स से मिलकर जो है मैटर कंपोज हुआ है, जिसको हमने क्या कहा है, एटम कहा है। ये किसने किया था, डेमोक्रेटस ने इसको सुगेस्ट किया था, इसका मशवरा दिया था हमें, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी थी। इसके बाद जो नेम एटम है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, वाज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटमोस मीनिंग इंडिविजिबल। कह रहे हैं कि एटम जो है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, लतीनी जबान से जो है ड्राइव हुआ है, एटमोस से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल कहते हैं कि ना काबिले तकसीम। अब जिन चीज़ों को मैं हाईलाइटेड करवा रही हूँ वो एज आपके एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जो है अपनी बुक पर उन्हें हाईलाइट कर लें, बाकी जो है थ्योरी आपको उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन जो चीज़ें हाईलाइट हैं जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ करवाती रहूँगी और आप उनको हाईलाइट करते रहना, ठीक है। ठीक है, आप देखें इसमें गोल्डस्टीन था, जे जे थॉमसन था, रदरफोर्ड था, बोहर था और दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम्स के जो अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, उनके बारे में हम लोगों ने देखने हैं कि वो कैसे डिस्कवर्ड हुए हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई है। तो सबसे पहले जो है हम थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के साथ रिलेट हैं। अकॉर्डिंग टू डेल्टन एन एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। डेल्टन ने जो पास्टुलेट दिया था उसने कहा था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, कि एटम जो है ना काबिले तकसीम है, से तकसीम नहीं कर सकते, एक हार्ड है कि वो सख्त है और ऊपर से डेंस है, डेंस कहते हैं घने को और स्फीयर कहते हैं गोल से टाइप को, ठीक है, ये उसने अपने पास्टुलेट में दिया था। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट डाउन अबाउट डेल्टन पास्टुलेट्स, डेल्टन के पास्टुलेट्स के बारे में आप बताएं, ठीक है। तो आप ये कुछ पॉइंट इसके लिख सकते हैं, एटम्स ऑफ द सेम अलाइट अलाइक, कि एटम जो है सेम एलिमेंट्स के एक जैसे होते हैं, ठीक है, दे कम्बाइन इन डिफरेंट वे टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, डिफरेंट वेज के साथ कंबाइन होकर ये क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। ये एज अ आप क्या है, डेल्टन के पास्टुलेट पूछ ले तो आप यहाँ से लेकर अकॉर्डिंग से लेकर आप बता सकते हैं यहाँ कंपाउंड्स तक, ठीक है। इसके बाद आपने ये एज अ एम सी क्यूज के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड, ये जो पैराग्राफ है ये एज एम सी क्यूज के लिए पूछ सकते हैं, तो आपने इसको हाईलाइट कर लेने। देखिए 1886 में गोल्डस्टीन डिस्कवर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, 1886 में जो गोल्डस्टीन था उसने पॉजिटिवली चार्ज को क्या किया था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था, जिसको हमने क्या कहा है, प्रोटॉन्स कहा है। एटम में उसने क्या डिस्कवर किया था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था, किसने, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था 1886 में। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लें कि हु डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स, किसने डिस्कवर किया था, आप कहेंगे गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। या तो आपसे डेट पूछ सकते हैं तो आप डेट में बताएंगे 1886, या तो आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। इन 1897 जे जे थॉमसन फाउंड इन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नॉन एज इलेक्ट्रॉन्स, 1897 में जे जे थॉमसन था, ठीक है, ये देखिए ये जे जे थॉमसन है, इसने क्या डिस्कवर किया था, इसने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था, जिसको हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन कहा है।
इट वॉज इस्टेब्लिश डैट, आप देखें ये भी MCQs के लिए पूछ सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को किसने डिस्कवर किया है, तो आप बताएंगे जे जे थॉम्सन ने इसको डिस्कवर किया था। इट वॉज इस्टेब्लिश डैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, आप ये इस्टेब्लिश हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटोन्स क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो है मादे के जो है एक बुनियादी पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, बुनियादी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। बेस अपॉन दीज थ्योरीज थॉम्सन पुट फॉरवर्ड हिज प्लम पुडिंग थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी पर बेस करके जो है जे जे थॉम्सन ने जो प्लम पुडिंग थ्योरी को सुगेस्ट किया था उसकी ऑब्जर्वेशन दी थी, ठीक है। और प्लम पुडिंग थ्योरी क्या होती है, ही पास्टुलेटेड, उसने पास्टुलेट किया था एटम वार्ड सोलिड स्ट्रक्चर वो पॉजिटिवली चार्ज विद तीनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, इट इज़ लाइक प्लम इन द पुडिंग, ठीक है। उसने कहा था कि एटम है, ठीक है, ये देखिए फर्ज कर लें एक एटम है, ठीक है, एटम है, उस पर उसने कहा था कि सिर्फ ही सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, सिर्फ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब पूरे एटम पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो नेगेटिव चार्ज है ना वो उसके ऊपर स्टक हुए हैं, वो इस तरह लग रहे हैं जैसे एक आप फर्ज कर लें एक खीर है, ठीक है, ये खीर है, खीर पूरा देखिए खीर में पूरी खीर में चावल होते हैं और वो दूध होता है, तो पूरी खीर में कह रहे हैं पूरी खीर के हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और उसके ऊपर हमने अगर बादाम या पिस्ते लगा दिए वो हमें प्लम कह रहे हैं, तो वो जो है वो छोटे छोटे टीनी नेगेटिव पार्टिकल जो हैं हमने स्टक किए हैं किसके ऊपर, एटम के ऊपर। यहाँ पे जो पुडिंग है वो खीर है, मतलब कि खीर क्या है, हमारे पास एटम है, और प्लम हमारे पास क्या है, अखरोट है या बादाम है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि स्टक हुए हुए हैं, ठीक है। ये आपका ये थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स में जो ये वाला क्वेश्चन है आपसे पूछ सकते हैं, प्लम पुडिंग थ्योरी, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लम पुडिंग थ्योरी, तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लें, तो आप यहाँ से लेकर बेस से लेकर पुडिंग तक लिखेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं कि आपको इस बात की समझ नहीं आई, ठीक है, किसी भी बात की समझ अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1879 में सर विलियम क्रोक्स ने जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब से जो है कैथोड रेज जो है निकल रही हैं, और वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ, फिर बुक से जो है आपको एक एक वर्ड जो है रीड करेंगे, ताकि जब आप बुक को रीड करेंगे तो आपको हर एक जो है चीज़ आपको विजुलाइज हो। तो हमेशा जब भी आप बुक से पढ़ रहे हों, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो तो आपको उनको रीड करना पड़ेगा एज आ MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, अपने पेपर्स के लिए आप बुक से पढ़ोगे तो आपको चीज़ों का विजुलाइजेशन जो है वो चीज़, मतलब कि विजुलाइजेशन कहते हैं कि स्टोरी बना के याद करना, तो आप स्टोरी बना के उसको याद करें, ठीक है। इसने मैं आपको बुक से जो है एक लाइन को एक एक वर्ड को समझाऊंगी ताकि आपको इधर से भी समझ आए, और बुक से अगर आप रीड कर रहे हो तो आपकी जो है पूरा स्टोरी फॉर्म में आपको विजुलाइज हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखें यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास एक क्या है डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या है डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके एक तरफ आपने क्या लगाया है एनोड लगाया, और दूसरी तरफ आपने क्या लगाया है कैथोड लगाया, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लगाया एक वैक्यूम पंप लगाया है। वैक्यूम पंप का क्या काम है, वैक्यूम पंप जो है आपके प्रेशर को लो करता है, आपके डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होगी ना, आपके डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट होगी उसको क्या करेगा, उसको प्रेशर को क्या कर देगा, लो कर देगा, मतलब कि उसके प्रेशर को कम कर देगा, ठीक है। ये वैक्यूम पंप जो है यहाँ से क्या काम करता है, एक सक करने का काम करता है, गैस को सक करेगा और प्रेशर को क्या कर देगा, लो कर देगा, ठीक है। एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। आपने डिस्चार्ज ट्यूब को किसके साथ कनेक्ट करना है, बैटरी के साथ आपने क्या करना है कनेक्ट करना है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो यहाँ से जो है कैथोड से जो बीम होगी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
मतलब कि बीम जो होगी या कैथोड रेज जो होंगी वो कहाँ चले जाएंगी, एनोड की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। और ये जो है जब कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगी तो हमें पता चलेगा यहाँ पे क्या है, एक कैथोड रे जो है वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, क्योंकि ये कैथोड से निकली हैं इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया है, कैथोड रेज का नाम दे दिया है। एट वेरी लो प्रेशर, तो कम प्रेशर पर ये फिनोमिना जो है वो होगा, ठीक है। अब जो है इसके कुछ डिटेल्स में इसको पढ़ लेते हैं बुक से और डिटेल में देख लेते हैं, तो बुक से रीड करते हैं। ये देखें, अब देखें यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू, अब देखें अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग टू सर विलियम क्रूक्स 1879 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के थ्रो गैसेस, जो आपके डिस्टार्ट ट्यूब में जो गैसेस प्रेजेंट है ना उससे हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया है। कैसे पास करवाया है कि हमने यहाँ पे बैटरी दी है, बैटरी से क्या, बैटरी क्या काम करेगी यहाँ पे, करंट का काम करेगी, हमें करंट प्रोवाइड करेगी एट अ वेरी लो प्रेशर। अब लो प्रेशर कैसे हुआ है, वैक्यूम पंप पे हमने क्या किया है, लो प्रेशर किया है। ही टुक अ ग्लास ट्यूब, हमने एक ग्लास ट्यूब लिया था, अभी हमने डायग्राम में आपको शो किया है, देखिए यहाँ पे भी डायग्राम बनी है, यहाँ से भी देख लें। ही टुक अ ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब लिया है जिसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया है, एक हमारे पास क्या है एनोड है, दूसरा हमारे पास क्या है कैथोड है, विच वर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बैटरी, और हमने इनको किन के साथ कनेक्ट किया है, एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। द प्रेशर इन साइड द ट्यूब वॉज कैप 10-4 atm, और जो प्रेशर ट्यूब में जो है वो कितना है, 10-4 atm, मतलब कि वेरी वेरी लो प्रेशर कर दिया है अपने डिस्टार्ट ट्यूब में ड्यू टू वैक्यूम पंप की मदद से, ठीक है। व्हेन रेज वार एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, जब रेज जो है कैथोड से एमिट होंगी, मतलब कि जब हमने बैटरी, मतलब कि बैटरी प्रोवाइड की है यहाँ पे, करंट प्रोवाइड किया है, तो कैथोड से जो रेज है वो कहाँ ट्रैवल करेंगी, विच ट्रैवल टूवर्ड द एनोड, एनोड की तरफ जो है, टूवर्ड द एनोड, एनोड की तरफ मूव करेंगी, जो कि हमें ये फिगर में दिखाया गया है, 2.1 फिगर में दिखाया गया है। दीज रे वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज, और इस रेज को हमने क्या नाम दिया है, कैथोड रेज का नाम दिया है। एंड दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, कैथोड से क्या हुए हैं, ओरिजिनेटेड हुए हैं, ठीक है। अब देखें ये रेज को हमने, अब दीज रेज, अब ये जो है हम ये पॉइंट जो है डिटेल में पढ़ते हैं, तो एक बार रीड आउट कर देती हूँ और उसके बाद डायग्राम के साथ आपको डिटेल में समझाते हैं। दी कैथोड रे वॉज स्टडी इन डिटेल्स, कैथोड रे के जो अपन डिटेल में स्टडी किए, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिटर्मिनाइन हुई थी, विच आर गिवन बिलो, जो कि यहाँ पे नीचे दी गई है। दीज रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हुई थी, परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, ठीक है। कैथोड सरफेस की क्या थी, परपेंडिकुलर थी, ये रेज क्या हुई हैं, स्ट्रेट ट्रैवल हुई हैं। देखें यहाँ पे ये जो रेज हैं वो क्या हुई हैं, स्ट्रेट ट्रैवल हुई हैं और परपेंडिकुलर हैं किसके, कैथोड सरफेस के। देखें ये क्या है, कैथोड सरफेस है, ये क्या है, कैथोड सरफेस है, और ये क्या है, रेज है। देखें ये रेज कैथोड सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहते हैं 90 के एंगल को, परपेंडिकुलर किसके कहते हैं, 90 के एंगल को। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, देखें ये कैथोड रेज ऐसे ये इस तरफ है और ये जो है रेज इस तरफ मूव कर रही है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या एंगल बनेगा, 90 का एंगल जो है वो बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, ऑब्जर्व कर लें, ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर लें, 90 का एंगल बन गया। इसके बाद देखें, दे कैन कास्ट आ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस इन देयर पाथ, कह रहे एक शार्प शेडो जो है वो कास्ट करेगी, ठीक है, शार्प शेडो देगी जब हम उसके उसके पाथ के अंदर हम क्या रख लेंगे, कोई अपेक ऑब्जेक्ट रख लेंगे। मीन टू से अगर हम यहाँ पे कोई अपेक ऑब्जेक्ट जो है वो रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या देगी, इस अपेक ऑब्जेक्ट का, ये फ़र्ज़ कर ली हमारे पास क्या है, अपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, अपेक ऑब्जेक्ट है, ये हमने पाथ में रख लिया, कैथोड और एनोड के दरमियान में क्या रख लिया है, पाथ में अपेक ऑब्जेक्ट रख लिया, तो यहाँ पे ये क्या देगी, इसकी क्या प्रोवाइड होगी, हमें शेडो प्रोवाइड होगी। दे कैन कास्ट द शार्प शेडो ऑफ एन अपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस इन देयर पाथ। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, जो कि ये चीज़ शो कर रही है कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। देखें यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिया है, नेगेटिव। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ से क्या है, जब कैथोड रे यहाँ से मूव करेंगी, यहाँ से मूव करती हुई आ रही हैं, तो ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव की तरफ, जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव। अगर हम फर्ज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, अगर हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोवाइड करेंगे, तो ये कैथोड जो रेज हैं वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो ये चीज़, ये फिनोमिना, ये चीज़ ये शो कर रही है कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। वी कैन से डैट, मतलब कि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिव हैं, वो किसकी तरफ मूव करेंगी, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगी, और ये शो कर रही है कि ये रेज जो हैं किससे मूव की हैं, कैथोड से मूव की हैं, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन शो हुई है। अब ये डिफ्लेक्शन कैसे शो होगी, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब पर जब डिफ्लेक्शन होगी, तो यहाँ पर हमें एक लाइट, या लाइट जो है वो शो होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। दे राइज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, ठीक है, जहाँ पे ये फॉल होगा वहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी क्या होगा, राइज हो जाएगा। हमें पता है कि अगर ये डिफ्लेक्शन, जैसे वो लाइट ट्यूब के ऊपर जो है लाइट फॉल हुई थी, जैसे कि कैथोड रे जो हैं, ये कैथोड रे जो हैं ये ट्यूब के ऊपर फॉल हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, तो यहाँ पे इसकी टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब कि डिस्चार्ज ट्यूब का जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ था, लाइट भी प्रोड्यूस हुई थी और टेम्परेचर भी प्रोड्यूस हुआ था। हाँ, हमें पता है कि जब लाइट प्रोड्यूस होती है तो किसी तो वो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जे थॉम्सन, अब ये डिस्कवरी आ गई थी, तो जे थॉम्सन ने क्या किया था, चार्ज टू मास रेशियो जो है उसको डिस्कवर किया। जे थॉम्सन ने इस डिस्कवरी के बाद जो है इस इलेक्ट्रॉन का, या इस कैथोड जो रेस थी जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा है, उनका चार्ज टू मास रेशियो जो है फाइंड किया था, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज भी फाइंड करके दिया था कि कितना चार्ज है, और उसका मास भी जो है फाइंड करके देकर इसकी क्या फाइंड किया था, रेशियो फाइंड की थी, चार्ज टू मास रेशियो जो है हमें प्रोवाइड की थी। लाइट इज़ प्रोड्यूस व्हेन देयर इट रेज हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी भी इंक्रीज़ होकर साथ पे जो है लाइट प्रोड्यूस होगी, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब पर हिट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगी, लाइट प्रोड्यूस होंगी। इट इज़ फाउंड डेट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वर यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कह रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ रेज जो है वो ही एमिट होंगी, ठीक है, सेम टाइप ऑफ रेज जो है मीट होंगी। ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी गैस हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कैथोड रेज जो है हम अपने डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ कर रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। हम कोई भी गैस कर यूज़ कर सकते हैं, हम अपना कैथोड रेज को चेंज कर सकते हैं, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर लें तो आपकी जो है आपका जो है क्या वही फिनोमेना, वही रेज जो हैं वही तरीकाकार जो है आपके डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो है कंक्लूजन है, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं कि ऑल दिस प्रॉपर्टीज सुगेस्टेड दैट नेचर ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, जैसे कि ये लास्ट लाइन पे हमें बताया था, ये 7 पॉइंट में बताया है कि ये डिपेंड नहीं करती हमारी नेचर ऑफ गैस पर, डिपेंड नहीं करती हमारी कैथोड जो है सरफेस पे कैथोड से है उस पर नहीं डिपेंड करती। तो यही कह रहे हैं कि नेचर ऑफ गैस पर इंडिपेंडेंट है, कि डिपेंड नहीं करती, प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है, ऑफ द मटीरियल ऑफ कैथोड, और या मटीरियल ऑफ कैथोड पे भी डिपेंड नहीं करती। द फैक्ट है द कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन अपेक ऑब्जेक्ट सुगेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज बट दीज आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, कह रहे हैं कि ये जो फैक्ट, ये हकीकत में जब हमारे एक अपेक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया था अपने डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ये जो है ये सुगेस्ट कर रहा है कि ये रेज नहीं बल्कि ये क्या है, फास्ट मूविंग मटीरियल पार्टिकल्स हैं, तेज़ी से मूव करने वाले कोई पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास कोई रेज नहीं है बल्कि ये पार्टिकल्स हैं। एंड दी वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन, जिनको हमने क्या नेम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया था, सिंस ऑल द मटीरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, और तमाम तरह का जो मटीरियल है वो सेम टाइप ऑफ जो है पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इट्स मीन दैट ऑल मटीरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि तमाम मटेरियल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंटेन करेंगे, ठीक है।
ये फिनोमिना ये कर रहा है कि वही फिनोमिना होगा, इसकी वजह से हमें ये पता चला है कि तमाम जो मटेरियल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं मुश्तमिल होंगे, पाए जाएंगे। एज वी नो मटेरियल्स आर कंपोज ऑफ एटम, हमें पता है कि मटेरियल किस से कंपोज होता है, एटम से कंपोज होता है, ठीक है। हैंस इलेक्ट्रॉन और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक फंडामेंटल है, बुनियादी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तमाम मटेरियल्स हैं उनमें क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं मस्त जो है पाए जाएंगे। तो पूरा जो है आपको ग्राफ से एक बार डायग्राम से भी बिल्कुल समझ आ गई है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई है। हमने स्टार ट्यूब का इस्तेमाल किया है, वहाँ पे क्या हुई है, वहाँ पे कैथोड से एनोड की तरफ जो है रेज मूव की हैं, तो वहाँ पे हमारे क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं पार्टिकल जो हैं प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। एंड डैट्स इट, ओके, अल्लाह हाफिज़।